ले लिए मैंने उनको, हम इंशाल्लाह हिम्मत कार्ड में भी उनको जो स्पेशल पर्संस के लिए है उसमें भी उनका हम उनको हिम्मत कार्ड भी हम देंगे। और ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से तकारीर होती हैं वो रटी रटाई तकारीर होती हैं, रटी रटाई स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जो लिख के दे देते हैं वो पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो मैं अब हम कर रहे हैं ये वो अमली इकदामात हैं जो जिनकी स्टेटमेंट से आगे जाके, बयानात से आगे जाके जिनकी बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए जब जन्मदिन था बाबा गुरु नानक का, मैं करतारपुर गई, वहाँ पर मैं जो सिख यात्री आए हुए थे मैं उनसे मिली, मैंने उनके साथ ज़मीन पे बैठ के उनका लंगर खाया, बहुत अच्छा खाना था उनका। और मैं जब वहाँ गई तो आप यकीन करें वो जो सिख यात्री हिंदुस्तान से आए हुए थे, उन सिख यात्रियों में से जो ख़वातीन थी उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया, मुझे प्यार किया जैसे वो हम बचपन से कहीं बिछड़े हुए हैं। तो इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं जब उनके साथ बैठ के खाना खा रही थी, उनको मिल रही थी, तो उनके त्यौहार में उनके साथ शरीक थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान कोई फासला है या हमारे दरमियान कोई सरहद है या मेरी, मैं उनसे पहली बार मिल रही, मुझे ऐसे लगता था कि मैं उनको पता नहीं बरसों से, सदियों से जानती हूँ। उन्होंने जो प्यार मुझे दिया उसके लिए उन सब का भी शुक्रिया। और जब अरोड़ा साहब मिनिस्टर बने, पाकिस्तान की तारीख में पहले सिख मिनिस्टर थे, तो इंडियन पंजाब से, बल्कि जो इंडिया सिख पूरी दुनिया में है उनकी तरफ से मुझे इतनी अप्रिसिएशन, अक्नॉलेजमेंट और पैगामात मौसूल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैंने बात की है कि देखें आजकल पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इकदामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इकदामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं हम विजिलेंट हैं, पुलिस विजिलेंट है, एडमिनिस्ट्रेशंस विजिलेंट हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे किसी भी अकलियती भाई बहन बुज़ुर्ग को, बच्चे को कोई भी मुश्किल आती है, तो हमने पैनिक बटन्स भी आपके लिए इंस्टॉल किए हैं। और कहीं कोई मुश्किल आती है आपने 115 पे फ़ोन करना है, 115 पे जो पुलिस की हेल्पलाइन है, और उनको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ख़वातीन और बच्चों के लिए, उसमें आपने इंक्लूड करना है अकलियती बरादरी को भी, कि जब कहीं वो उनको ख़तरा महसूस हो वो फ़ौरन कॉल करें और पुलिस उनकी हेल्प को पहुँचे। इसके साथ साथ हमने जो अकलियतों के लिए रिवायती तौर पे एक फ़ंड होता था, हमने उसको, मैंने उसको डबल कर दिया है, और डबल भी थोड़ा है। और मैंने आज रमेश सिंह अरोड़ा साहब से बात की है, मैंने उनसे ये कहा है कि इसको जो अकलीती बरादरी के कब्रिस्तान हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके जो महल्ले हैं, उनको बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो मेरे दिल में, मेरी उनकी वही जगह है जो पंजाब के बाकी 14 करोड़ अवाम की है। और जब आप सब ने, माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स ने पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो,
चाहे वो पंजाब असेंबली हो या कोई भी सूबाई असेंबली हो, चाहे वो नेशनल पार्लियामेंट हो या वो ब्यूरोक्रेसी हो या वो जुडिशरी हो, हर जगह आपकी खिदमात हैं और आपने दिल से इस मुल्क को सर्व किया है। तो अगर आपने दिल से इस मुल्क को सर्व किया है तो आपकी भी, आपका भी उतना ही हक है बल्कि ज़्यादा हक है जो किसी और इंसान का है। मैं माजी करीब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ जिससे मेरा सर शर्म से छुप जाता है और जिससे मुझे दिली तकलीफ़ और दिली दुख होता है। मेरा दिल जो है वो तकलीफ़ में होता है जब मैं देखती हूँ कि कहीं किसी महल्ले में कोई गलत फहमी की बुनियाद पर या किसी भी तरह कोई ऐसी लड़ाई, झगड़ा, कोई फसाद हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने जो तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा मुल्क है और माइनॉरिटीज़ क्योंकि कम हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको एक सेफ़ पाकिस्तान, एक सेफ़ पंजाब प्रोवाइड करें जहां वो भी अपने घरों में आराम से, चैन से, सुकून से, बिला किसी खौफ के वो अपने घरों में रहें और उनको लगे कि ये हमारा मुल्क है और यहां पर हमारी कदर है, हमारी परवाह है। क्योंकि ना, मेरी ये सिर्फ आईनी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मेरी इंसानी ज़िम्मेदारी भी है, ये मेरी बतौर पाकिस्तानी भी एक ज़िम्मेदारी है। सिर्फ बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं, एक बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो बिल्कुल महफूज अपने आप को तसव्वुर करें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म, खुदा न खास्ता अगर कोई जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई या कोई भी किसी ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आपके लिए मुश्किल क्रिएट की, तो मरियम नवाज़ आपके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक झंडे के साए तले रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।